हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सुनील स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। आज हम करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, कारावास यानी वो कितनी बार जेल गए, कहाँ कहाँ जेल के बाद उन्हें जाना पड़ा, क्या क्या दिक्कत हुई, सारा कुछ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। हाँ जी, तो कारावास में देखिए, अपने जीवन में सुभाष को कुल 11 बार कारावास हुआ। सबसे पहले 16 जुलाई 1921 में 6 महीने का कारावास हुआ था। 1925 में गोपीनाथ साहा नामक एक क्रांतिकारी कोलकाता के पुलिस अधीक्षक चार्ल्स टेगार्ट को मारना चाहता था। उसने गलती से अर्नेस्ट डे नामक एक व्यापारी को मार डाला। ठीक है, इसके लिए उसे फांसी की सजा दी गई। गोपीनाथ ये एक भाई अच्छा क्रांतिकारी था और गरम दल का ही था, तो गोपीनाथ को फांसी होने के बाद सुभाष चंद्र बोस फूट फूट कर रोए, यानी ये गोपीनाथ जो है वो इनके सहयोगी थे। उन्होंने गोपीनाथ का शव मंगवा कर उनका अंतिम संस्कार किया। इससे अंग्रेज सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि सुभाष ज्वलंत क्रांतिकारियों से न केवल संबंध ही रखते हैं, अपितु वे उन्हें उत्प्रेरित भी करते हैं। यानी कि इंग्लिश गवर्नमेंट को एक बहाना चाहिए था सुभाष चंद्र बोस को पकड़ने के लिए। इसी बहाने अंग्रेजी सरकार ने सुभाष को गिरफ्तार किया और बिना कोई मुकदमा चलाए अनिश्चितकाल के लिए म्यांमार के मांडले कारागार में बंदी बनाकर भेज दिया। ठीक है, कोई नोटिस नहीं था, कोई केस नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस उठाया और मांडले जेल में भेज दिया, जिसको काला पानी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 5 नवंबर 1925 को देश बंधु चित्रंजन दास कोलकाता में चल बसे। ठीक है, यानी कि अब ये जो चित्रंजन बाबू हैं ये वही हैं जिनसे सुभाष चंद्र बोस प्रेरित हुए थे और अपना ICS का एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद जब उन्होंने नौकरी छोड़ के इंग्लैंड छोड़ के वापस इंडिया में प्रवेश किया, तो मुंबई में गांधी जी से मिलने के बाद उन्होंने किससे मुलाकात की, चित्रंजन दास से ही की थी। और चित्रंजन दास से और स्वामी विवेकानंद से सुभाष चंद्र बोस 15 साल की एज में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, तो 5 नवंबर 1925 को चित्रंजन बाबू का क्या हो गया, कोलकाता में देहांत हो गया। सुभाष ने उनकी मृत्यु की खबर मांडले कारागार में रेडियो पर सुनी। ठीक है, मांडले कारागार में रहते सुभाष की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई, उन्हें तपेदिक हो गया था, यानी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे वो। परंतु अंग्रेज सरकार ने उन्हें फिर भी रिहा करने से इनकार कर दिया। सरकार ने उन्हें रिहा करने के लिए शर्त रखी। अच्छा, उनको पता तो चल गया अंग्रेज सरकार को कि सुभाष चंद्र बोस बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त क्या रखी, देखो कितने चला के अंग्रेज, वे इलाज के लिए यूरोप चले जाएं, लेकिन सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया कि इलाज के बाद वे भारत कब लौट सकते हैं। ठीक है, यानी एक प्रकार से देश निकाला दे रहे थे, इसलिए सुभाष ने ये शर्त स्वीकार नहीं की। आखिर में परिस्थिति इतनी कठिन हो गई कि जेल अधिकारियों को ये लगने लगा कि शायद वे कारागास में ही ना मर जाएं। तो अंग्रेज सरकार ये खतरा भी नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने सुभाष को रिहा कर दिया। उसके बाद इलाज के लिए वो डलहौजी चले गए। ठीक है, यानी इलाज उनको बाहर ही करवाना पड़ा। 1930 में सुभाष कारावास में ही थे, चुनाव में उन्हें कोलकाता का महापौर चुना गया, इसलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। 1932 में सुभाष को फिर से कारावास हो गया। ठीक है, इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। चिकित्सकों की सलाह पर सुभाष इस बार इलाज के लिए यूरोप जाने के लिए राजी हो गए। ठीक है, अब कल हम जो करेंगे उसमें होगा कि कारावास के बाद
जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल था, उन्होंने क्या क्या किया? 1932 में, अब फिलहाल तो वो जेल में चले गए, उसके बाद अभी उनको इलाज भी करवाना और विदेशों में भी घूमना है, अपने लिंक भी बनाने हैं ताकि वो आज़ादी के लिए हिंदुस्तान में, आज़ादी में उनका सहयोग बनाए रख सके। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।